दोस्तों, ये है स्टेनलेस स्टील की एक किचन जो आप देख रहे हैं, जिसकी टोटल लेंथ 12 फीट है और ये पूरी तरीके से स्टेनलेस स्टील में बनी हुई है। इसमें जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है, व्हाइट कलर है, पर्ल व्हाइट कलर, और ऊपर स्टेनलेस स्टील का नेचुरल कलर है जिसमें हम स्टेनलेस स्टील को पाते हैं। इस किचन की टोटल लंबाई 12 फीट है। अभी मैं आपको इसके सारे कैबिनेट्स को खोल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखते हैं रोलिंग शटर है। इस रोलिंग शटर के अंदर हम किचन के वो अप्लायंसेस रख सकते हैं जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है। हम इसको स्टोरिंग यूनिट की तरह से भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात करेंगे तो जैसे चॉपर हुआ, टोस्टर है, मिक्सी है, कॉफी मेकर है, जो कि आप देख भी पा रहे हैं वहां पे। इसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन दे देंगे। आप इसको बाहर निकाल के यहीं पे अपना एप्लीकेशन यूज कर पाएंगे और यूज करने के बाद आप उसको अंदर रखेंगे। इससे आपको जब भी अप्लायंसेस की जरूरत पड़ती है तो कहीं बाहर से निकाल के लाने की जरूरत नहीं है और आप सेम टाइम पे बिना किसी हर्डल के आप यूज कर पाएंगे। यूज करने के बाद हम शटर डाउन भी कर सकते हैं जिससे कि किचन हमारी पूरी इंटैक्ट और नीट एंड क्लीन दिखाई देगी। इसके बाद ऊपर स्टेनलेस स्टील की कैबिनेट्स हैं। आप देखिए पूरी स्टेनलेस स्टील कैबिनेट जैसे नेचुरल स्टेनलेस स्टील दिखाई देता है। इसको साफ करना बहुत आसान है, बहुत ही हल्के से कपड़े लगाते ही ये साफ हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हाइजीनिक है। हाइजीनिक का मतलब आज की डेट में हम सभी जानते हैं कि इसके अंदर मॉइस्चर लगने के बाद में कोई कीटाणु विटाणु कीड़े नहीं लगते हैं जो कि वुडन को खाने के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील होने के कारण इसके अंदर वो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ये हाइजीनिक। यहाँ पे चिमनी लगाई गई है। चिमनी के नीचे हमारी तीन ड्रॉर्स है। एक कटलरी यूनिट है जिसमें हम चाकू, छुरी, चम्मच ये सब चीजें रख सकते हैं। आप देखेंगे ये सब सॉफ्ट क्लोज है। बीच में मीडियम बर्तनों के लिए स्पेस दिया गया है, ये भी बिल्कुल सॉफ्ट क्लोज है। इसके अंदर एक पहली कॉम्पोनेंट दी गई है जिसके अंदर हम छोटी मोटी चीजें संभाल कर सकते हैं। और नीचे आटा टन पॉली है जिसकी कैपेसिटी 50 किलो की रहती है। हम जनरली घर में 10 किलो, 12 किलो, 20 किलो इतना ही आटा स्टोर करते हैं, तो उसके लिए 50 किलो की दी गई है जिसमें कि आप इसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। ऊपर की सारी कैबिनेट स्टेनलेस स्टील में है। यहाँ पे एक सिंक यूनिट है। सिंक यूनिट के ऊपर हमने ड्रेन दिया हुआ है। इस ड्रेन में नीचे जो भी बर्तन पड़ेंगे हम आसानी से ऊपर रख सकते हैं और अगर पानी में ड्रेन ऑफ होता है तो हम यहाँ से स्प्रे के द्वारा वो पानी बाहर निकल निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये पूरी किचन इसके अंदर जितनी भी फिटिंग्स यूज हुई है सब हैटिक कंपनी की है और हैटिक कंपनी अपने इस सामान की 10 से 12 साल की गारंटी वारंटी भी देता है। हमारी इस पूरी किचन की हम लोग भी 12 साल की अपनी वारंटी देते हैं। आपकी ये पूरी किचन पूरी तरीके से इंटैक्ट है और 12 साल बाद भी, क्योंकि स्टील होने के कारण इसकी स्ट्रेंथ में, इसकी लुक में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम इस किचन को ऑफ करते हैं तो ये किचन कोई एक टाइम पीरियड के लिए नहीं बल्कि हमारी लाइफ टाइम यूज में आती है। आप इसके अंदर कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। हमने जैसे व्हाइट और स्टेनलेस स्टील का कॉम्बिनेशन लिया है तो हम इसकी जगह कोई भी एक कलर चूज कर सकते हैं नीचे और स्टेनलेस स्टील का एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। हालांकि हम इन किचन में कलर की कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको जो भी कलर पसंद है हम उस कलर में इसको डिजाइन कर सकते हैं। इस किचन के अंदर कुछ स्पॉट लाइट भी दी गई है जिसको आप देख पा रहे हैं। एक विशेषता जो इसकी सबसे अच्छी ये भी होती है कि
जैसे हम लोग कार के अंदर यूज करते हैं मटेरियल को, और कार अगर कहीं से डैमेज हो जाती है तो हम उस छोटे से पार्ट को या तो रिप्लेस कर देते हैं या उसके रिपेयरिंग कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर इस किचन का कोई भी एक छोटा पार्ट किसी कारण डैमेज होता है, डैमेज होता है, तो या तो इसका हम रिकलरिंग का ऑप्शन हमारे पास में रहता है, या फिर हम सिर्फ यही वाला पोर्शन फैक्ट्री से दूसरा लगा के चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अगर कहीं पे कोई डैमेज होता है तो हम इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। हमारी पूरी किचन, हमारी पूरी कॉस्ट इंटैक्ट रहती है, वो पूरी वेस्ट नहीं होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टेनलेस स्टील किचन? आप जरूर अपने विचार हमसे शेयर करें, और आप हमें लिख भी सकते हैं हमारे इस बॉक्स में जहाँ पे आपको हमारा एड्रेस मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।